केवी टेक्निक्स आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। केवी टेक्निक्स लाया आपके लिए लेटेस्ट व महत्वपूर्ण जानकारी। इस प्रकार की जानकारी अगर सीधे प्राप्त करना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास में बेल है उस पर क्लिक कीजिए। साथियों, बिना समय गवाए जानकारी स्टार्ट करते हैं। एमपी सरकार द्वारा इस बार 5वीं और 8वीं को बोर्ड किया गया है। अगर 5वीं और 8वीं में अगर कोई छात्र फेल हो जाता है तो उनके नए नियम आ गए हैं। देख लेते हैं क्या है नए नियम। और भोपाल से लगी है, मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की 5वीं और 8वीं कक्षा में पूरे विषय में फेल होने वाले स्टूडेंट्स 2 महीने बाद दोबारा परीक्षा दे सकेंगे। यदि ये दोबारा फिर से फेल हुए तो इन्हें बतौर रेगुलर स्टूडेंट क्लास में एडमिशन मिल जाएगा। स्कूली शिक्षा विभाग ने इसके लिए गजट नोटिफिकेशन लाने की तैयारी कर ली है। साथियों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपका लाइक करना और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल है। इसके लिए विधि विभाग ने भी मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन का प्रकाशन 1-2 दिन में हो सकता है। स्कूली शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि विधि विभाग ने इसकी अनुमति मिल गई है। प्रदेश में शिक्षा की बेहतरी के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। अभी तक स्टूडेंट फेल या पास नहीं माना जाता था। एजुकेशन एक्सपर्ट रमाकांत पांडे ने बताया कि 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद 5वीं और 8वीं की परीक्षा नहीं बल्कि मूल्यांकन कहा जाता था। यह काम बोर्ड के तहत नहीं बल्कि लोकल लेवल पर होने लगा था। स्टूडेंट को फेल या पास नहीं माना जाता था। विषयों में कम नंबर आने पर दक्षता के आधार पर दोबारा मूल्यांकन कर अपग्रेड कर अगली क्लास में भेज दिया जाता था। पिछले दिनों भारत सरकार ने इस कानून में संशोधन कर दिया था। इस पर राज्य सरकारों को अमल करते हुए दिशा निर्देश जारी करना था, जबकि 2009 से पहले 5वीं 8वीं की कक्षा बोर्ड परीक्षा होती थी। सत्र से मध्य प्रदेश सरकार सभी सरकारी स्कूलों में खादी से बनी यूनिफॉर्म देगी। देख लेते हैं विशेष खबर जो भोपाल से लगी है। मध्य प्रदेश में अब सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट को खादी से बनी यूनिफॉर्म दी जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की पहल पर प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने यह फैसला लिया है। अगले सेशन से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। साथियों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ऐसे तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, लेकिन जो साथी इस वीडियो और इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पास में बेल है उस पर क्लिक करें, जिससे इस चैनल के नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे और जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इसके लिए क्या करना होगा, आपके मोबाइल पर चैनल आइकॉन आएगा, उसे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाइए। इस चैनल के अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उन्हें देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।